क्या कर रहे हो आप? क्या था ये? क्या बना के दिया? क्या हो रहा है? इतना गंदा बनाया है इसने पागल ने। तो मुंह पे क्यों फेंक रहे हो उसके? बताओ अभी मुंह पे तो मैं तो क्या कर रहे हो? तमीज नहीं है क्या आपको? क्या कर दिया तुमने? ये फेक क्यों दिया यार? तुम पागल पागल हो क्या? और करूंगी। क्या कर दिया आपने? तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है क्या? एक बात बताओ पहले, मेरी बात। इतनी मिर्ची भड़क की तुम स्कैंडल। तो तुम नहीं खाती ना? तुमको अगर अच्छा नहीं लग रहा था तो तुम वीडियो क्यों बना रहे हो? बंद करो इसे। क्यों पूरी बनाएंगे? क्यों नहीं बनाएंगे? बनाएंगे अपने बच्चे को क्या खिलाऊंगा? ये बताओ। अरे एक बार बड़ा गंदा बनाया था, तुम नहीं खाती ना, लेकिन फेंकने का क्या पैसे? पहले बात की बात है, एक बात बड़ा तुमने भाई साहब मेरा क्या हो गया? मेरी माँ के लिए मैं दवाई लेके जाने वाला था, आज पैसा कमा के तेरे को गंदा लग रहा है? इसमें क्या गंदा दिख रहा है तेरे को? अरे एक मिनट सुन, मेरे को पता है बहुत जलेबी खाती है ना घर पे बैठ के डेली डेली। अरे मेरे को कुछ नहीं, लेकिन तुम उसका ऐसे वो सब छोड़ो, वो तो बने। तुम काम ऐसे कर रही हो, तुम पे जरा भी रियलाइज नहीं हो रहा क्या? तुम मेहनत कर रही हो। पहले एक बात बता, पहले मेरी बात सुन ले। मैं एक बात तो बता यार, ये बंदा साइकिल पे सुबह से घर से निकला होगा, इसने जैसे तैसे करके मिर्ची भर के दिया, मेरा पूरा मुंह जल गया। वो बदतमीज लड़की है ये तो बिल्कुल ही। बताओ अभी बदतमीज दिमाग नहीं है कि दो पैसे का? एक मिनट रुक जा यार, तेरे में एक बात बता, दिमाग नहीं है तेरे घर में भी? तो यार ऐसा कोई होगा ना जो कि यार थोड़ा बहुत फालतू का ज्ञान मत दे, समझ में आई बात? यहाँ से जा तू, मेरे साथ बकवास मत कर। पूरा पूरा इसको पहले तो इकट्ठा कर, तेरे को इकट्ठा करना पड़ेगा। देख मैं बता रहा हूँ, इकट्ठा कर। बता रही मैं क्या बता रही तेरे को? पहले बता रहा हूँ, बदतमीजी मत कर यार। तुम रो मत कर, ये देगी कैसे? नहीं देगी यार, तू दे दे। अरे मैं तो दे ही दूंगा यार, लेकिन तेरा तो मुंह दिखने को एक तो जीभ तो काली है ही है, जुबान काली है ही है, ऊपर से दिल भी काला है। अच्छा क्यों मुंह छुपा रही है? मुंह क्यों छुपा रही है? इससे वो वीडियो बंद करेगा, इसलिए बंद करेगा। क्यों बंद करेगा? क्यों बंद करेगा? इसलिए पहले मेरे को एक बात बता, इधर ओए पापा की परी, इधर आ। मैं पापा की परी तुझे क्या? ये खाने के लिए ना, अभी अभी जब तुम घर से निकलती हो ना, जब तुम्हें घर में बनाना नहीं आता, मुझे पता है नंबर एक की आलसन तो होती हो, हमें सब पता है यार। 12-12 बजे सो के उठती हो, या बंदा सुबह 4 बजे खाना होता है, सब बनाता है। मैं कुछ भी करता है, तो यहाँ पे तेरे को ये फैलाने के लिए किसने बोला? तेरे को भेलपुड़ी अच्छी नहीं लग रही थी, तू वो भेलपुड़ी नहीं खाती, लेकिन तूने ये पूरा का पूरा कैसे फैलाया मेरे को ये बताओ? कितने रुपए का माल था भाई? तू शांत रहे यार, ये पैसे देगी यार? क्यों नहीं देगी यार? मेहनत के पैसे हैं, दूसरों को अमीर लोगों को देख के लूटते हैं, ये ऐसे ही हरकतें करते हैं। औकात की तो बात ही मत कर, औकात तो तू अपनी दिखा रही है यहाँ पे, तू यहाँ पे ये औकात दिखा रही है कि 50 रुपए की ना भेलपूड़ी के लिए ना तूने पूरे के पूरे उसके 1500 रुपए का नुकसान कर दिया। और ये बंदा सुबह ना जानबूझ के कर रहा है ताकि मेरे साथ ऐसे कर सके। ये लोग पहले ये लोगों को मिर्ची बना के खिलाते हैं, इनको तब से समझ नहीं आते कितनी डाल रहे, कितनी डालना। अरे मिर्ची लग रही थी तो मत खाते ना यार, उसे थोड़ा मुंह में जबरदस्ती थोड़ी ना डाला था। इनकी यही औकात है, समझ नहीं बात। और तुम्हारी बहुत औकात है जो 50 रुपए के लिए तुम किसी इंसान के और इंसानियत के साथ खेल रहे हो। मैं इस बात बकवास।
क्या बकवास मत करो, जाओ यहाँ से। ऐसे दो यार उसके गरीब आदमी के पैसे, पैसे देना पड़ेगा तुम्हें। अरे मैं तो दे ही दूंगा तुम, लेकिन तुमने क्यों फैलाया यार ये तो बताओ। अच्छी नहीं लगी, मैंने फैला दिया। तो यार देखो अच्छी नहीं लगी, तुम उसका एक पैकेट जो तुमको अच्छा नहीं लगा था वो तुम नहीं खाती, समझ आता है। बट यार उसके चक्कर में पूरा माल फैलाना, भाई खड़ा हो जा, ये देगी पैसे कैसे नहीं देगी, पूरा माल फैलाना कौन सी इंसानियत की बात है। वेडिंग सुन लो पहले यार, तुम्हें थोड़ी बहुत दया आ रही है क्या? थोड़ा बहुत भी दया आ रहा है क्या? मेरा घर चलता है मेन साहब से, किसी इंसान की रोटी रोटी चलती है कैसे लेने से? आपने सारा गिरा दिया मैडम। सुबह 4 बजे उठ के बनाता ये बंदा, तब जाके कहीं ये पूरे दिन देखता होगा, तब शाम को इसके घर पहुंचता। और तुम उसकी औकात बता रही हो, तुम कितनी पैसे वाली हो यार, 50 रुपए के लिए अपनी औकात दिखा रही हो, वो भी यहाँ पे ऐसे। क्यों मत सुनो, क्यों ना सुनाऊं यार, की जरूरत नहीं है मैडम, हमारी औकात ही होती है, लेकिन हम किसी के हक नहीं खाते, हम ऐसे अपनी मेहनत से किसी का हक नहीं खाया, अपने मेहनत की खाई है। 4 बजे उठता हूँ जब जाके बनाता हूँ, मिर्चियाँ भर भर के खिलाता है पागल। अरे ओ पापा की परी, लोगों को परेशान करता है, घर से आ रही है मटक मटक के, तब तो घर पे कुछ बनाया नहीं गया थे, मुझे क्या मैं मटक क्या हुआ, चल क्या हूं? तो फिर जब तक से खाया नहीं जा रहा है तो उसमें नुस्खे क्यों निकाल रही है? और मेरे को खूब पता है यार, अच्छे से पहले मेरी बात सुन। अरे मैं तो चौधरी हूँ तो बनूंगा, और सुन पहले मेरी बात, तुम्हारे जैसी लड़कियां पता क्या करती हैं, कैब में जब जाएंगी ना तो कैब ड्राइवर की सारी गलती होती है, गोलगप्पे वाले के पास जाएंगी ना। नेम साहब कभी हम गलत नहीं करते किसी का, और तुम बहुत अच्छी होती हो। 4 बजे, 4 बजे उठ के मेहनत करती थी, जब मैंने ये मिर्ची बहुत भर के डाली थी ना, डाली थी। उसके पैसे वापस दे दो, आइंदा से ना चाशनी जहाँ मिलती हो ना भेलपुरी में वहाँ पे खा लेना, आगे से जहाँ देना तो पड़ेगा। तुम्हें यार शर्म नहीं आती क्या? नेम साहब इन पैसे से मैं अपनी माँ की दवाई लेके आता, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको मैं क्या खिलाऊंगा? ऐसे झूठ बोल बोल, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। और तुम तो ना बिल्कुल सती सावित्री हो एकदम से, ना कभी झूठ देखा ही नहीं है तुमने, कैसा होता है बकवास करने की तेरे को भी जरूरत नहीं है। मैं कहीं जा रहा हूँ पैसे दो, उसके बाद करता हूँ। मेरी चाय कभी पूरी तोड़ दे, मैं कैसे काम करूँ? पैसे देने पड़ेंगे यार, पैसे कैसे नहीं दोगे यार, खड़ा करो ऐसे, मैं भी तो देखूँ कैसे नहीं दोगे पैसे तुम्हें। यार बिल्कुल भी यार शर्म नहीं है, बात बताओ गरीब का हाथ क्यों मार रही हो? बात बताओ ना, बात बताओ ना, अगर जीव का टेस्ट अगर काबू करने की अगर तुम्हारे कुब्बत नहीं है ना, तो फिर खाया मत करो यार, घर पे बना लिया करो। क्यों चुप रहूं, क्यों चुप रहूं? तब तो तुम्हारी जीव ना ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, तब तुम्हारी जीव ऐसे चलती है ना। मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे अगर मैं जन कहा ले जाऊँ बच्चों के लिए, तो मैं क्या खिलाऊंगा? मेरा सारा सामान चला गया। मान दो यार उसका, मैं पैसे दो, पैसे वापस दो, नहीं दे रही, पैसे वापस दो। लोगों को यहाँ पे परेशान रहते हैं, लोग कैसे परेशान होते बताने जरा एक बार, हम लोगों का पेट भरते हैं, परेशान नहीं करते। एक बात बता, ये बंदा ना सुबह सुबह आके मेहनत कर रहा है, अपनी मेहनत से कमा रहा है, रोजी रोटी खा रहा है, तो ये तुमको परेशान करते हो कैसे दिख रहा है? मिर्ची डालता है लोगों में, कभी नमक डाल देता है, कभी कुछ कर देता है। ओ भाई ये तो यहाँ से चल के गया था तुम्हारे मुंह पे यूं करके मिर्ची डालने के लिए, है ना? क्या मांगा था हमने? बात बताओ ना, बातें मत बनाओ, बातें बनाना मेरे को बहुत आती है, और अगर लड़की नहीं होती ना तो अब तक तो तू पैसे भी दे देती, और ये सारा का सारा इसमें भर भी देती। क्या कह रहा है तू? पूरा का पूरा इकट्ठा करके दे, इसमें मैं कुछ नहीं जानता, नहीं दे रही। मैं कह रहा हूँ इकट्ठा करके दे, पैसे दे दो मेरे, मेरे बच्चे हो गए मर जाए तो यार। नहीं मैं नहीं दे रही, क्यों नहीं दे रहे? इनकी हरकतें देखो तुम लोग, इनकी हरकतें मैंने देख ली, तुमसे कई गुना बेहतर है, तुमसे कई गुना बेहतर है यार। एक बात बताऊँ ना, इससे बढ़िया कि तुम्हारे अंदर की इंसानियत मर चुकी है, पता क्यों मर चुकी है? पता क्यों मर चुकी है? नहीं मरी है। अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत है ना, तो थोड़ा बहुत रियलाइज हो रहा है कि यार तुमने जो किया, जो खाने की चीज है वो तुमने यार वेस्ट कर दी, और जो चीज वेस्ट हो रही है वो यार ठीक नहीं है इंसानियत के नाते, थोड़ा बहुत रियलाइज हो रहा है कुछ? मैम साहब आप ऐसा ये एक इंसान के साथ नहीं हो रहा है, ना जाने कितने लोगों के साथ ऐसा होता रहता है। पापा की परी आती है साइड में पर्स डाल के ना, कोई ऑडी से उतरता है, कोई जैगवार से, और आने के बाद ना गोलगप्पे खाते आके वहीं पे, और खाने के बाद रईसी दिखाती है, और उसके बाद फिर उनका सामान तोड़ती हैं, फोड़ती हैं, और दिखाती हैं अपनी रईसी।
वो अलग बात है, तुम जैगवार से नहीं आई हो, पैदल आई हो, लेकिन रईसी में तुम्हारी कमी नहीं है मैडम। पैसे दे दो फटाफट, गरीब का हक नहीं मार सकती हो। मैं मार खा रही हूँ ये बताओ ना, और क्या कर रही हो तुम यार, सरेआम हक मार रही हो यार, पैसे दो उसके वापस। मैं नहीं दे रही पैसे, मैं क्यों दूँ पैसे? नीम साहब आपने मेरा सब कुछ खराब कर दिया, मैं क्या खाऊंगा, मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा, मैं करूंगा क्या? खा इसको, खाना फिर मैं क्यों खाऊं? तू खा, क्यों? जब तक पैसा नहीं निकल रहा तो मैं क्यों भीख मांगने के लिए आ जाती घर से बिन पैसे के? ये भीख मांगी है ना तू, ये भीख मांगी तुम? अगर भीख मांगी नहीं, अगर बुरा लग रहा है तो पैसे दो उसके वापस। मैं करे खा रहे आपसे भीख नहीं मांगी थी हमने, की 10 रुपए दे दीजिए, पैसे दो उसके वापस, पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे यार। कोई बात नहीं साहब जी, मैडम ने मत दीजिए पैसे, कोई बात नहीं, हमारे बच्चे को बड़े बचाने कोई नहीं, आप अभी रहो, आप पैसा रखिए जाइए साहब जी, कोई बात नहीं। आपने मुझे पैसे नहीं दिए, मेरा सारा सामान खराब कर दिया, थोड़ा बहुत जमीन पिघला है क्या, थोड़ा बहुत शर्म आ रही है, अगला इंसान पैरों में पड़ रहा है, अगला इंसान कह रहा है मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। अगर ये दे नहीं दे तो ये सब करने की क्या जरूरत थी यार, पहले ये नहीं करती, थोड़ा बहुत तो रिलाइज होना चाहिए ना इंसान को यार, हद्दी हो गई यार, कुछ नहीं यार भाई ये रख लो, और ये ना वेस्ट होने से अच्छा है ये फिलहाल किसी को यार डाल देना गाय भैंस को, ठीक है? अब निकल लोगे यहाँ से पहली फुर्सत में, सॉरी यार, कोई नहीं यार, इसको भर लो ठीक है, वेस्टेज होने से बचा लो आपका बहुत। तो फाइनली गाइस यार, हमारी सोसाइटी में कई बार ऐसा होता है कि कोई ऑटो वाले के साथ ऐसा कर देता है, तो कोई यार कैब वाले के साथ, कोई गोलगप्पे वाले के साथ, तो कोई किसी के साथ, बट मुझे लगता है यार कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आसपास कहीं होता है तो इसको प्रोटेक्ट करने के बजाय इसमें ना यार हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, और ऐसे लोगों के साथ थोड़ी बहुत आवाज भी उठानी चाहिए। और रियलिटी यार यही है कि यार गरीब को हर कोई दबाना ही चाहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग कुछ समझदार हो यार, जल्दी से जाओ, यहाँ पे इंस्टाग्राम, यहाँ पे फेसबुक है, अपने भाई को सपोर्ट कर दो, @ prank the को इंडिया। लव यू ऑल, बाय बाय।